दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में दुकानों पर आतिशबाजी बेच रहे दुकान पर पुलिस ने छापा मारा। कुछ दुकानदारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान एक दुकानदार की मासूम बेटी पुलिस की गाड़ी पर लगातार सर पटकती रही, गुहार लगाती रही। आपको बता दें, यहां पटाखा बिक्री की सूचना पर कार्रवाई करने गई पुलिस के साथ दुकानदारों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई और दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद हिरासत में लिए युवक को छुड़ाने के लिए उसकी मासूम बेटी पुलिस की कार में सर पटक पटक कर मारती रही, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी और ना ही पुलिस जीप में ड्राइवर सीट पर बैठे सिपाही ने सर पटकने से बच्ची को रोकने की ही जहमत उठाई। बता दें, पुलिस ने बच्ची के पिता सहित 6 दुकानदारों को हिरासत में लिया। दरअसल बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर NGT ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है। मासूम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद बुलंदशहर पुलिस की कार्रवाई कटघरे में खड़ी हो गई। उधर मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को बेहद संवेदनशीलता से लेते हुए पटाखा कारोबारी को तत्काल रिहा करवाया। साथ ही देर रात ही वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों उनके व उनकी मासूम बेटी के लिए दीपावली के उपहार व मिठाइयां भी भिजवाई। इसके अलावा एक दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हरकत में आई बुलंदशहर पुलिस के CEO ने कहा, नियमानुसार कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बाद एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया जिसमें आतिशबाजी बेचने वाले दुकानदार को पुलिस ले जाती दिखी और बच्ची दरवाजा पीट रही थी। उन्होंने कहा कि पुलिस से संवेदनशील व्यवहार की अपेक्षा थी, जो नहीं दिखा। इस प्रकरण में SSP ने नाराजगी प्रकट की और वीडियो में दिखाई दे रहे मुख्य आरक्षी को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके अलावा हमने और ADM साहब SDM साहब ने महसूस किया कि बच्ची का मन कोमल होता है, कहीं पुलिस के प्रति कोई नकारात्मक भाव न रह जाए। हमने निर्णय लिया कि बच्ची के साथ त्यौहार मनाते हैं, बच्ची खुश है और हमें भी लगा जैसे हम अपने बच्चे के साथ ही त्यौहार मना रहे हैं। जिस तरह योगी सरकार इस घटना को देखते ही तुरंत हरकत में आई और फिर जिस तरह पुलिस वालों ने अपनी गलती सुधारी, हम दिल से उसकी सराहना करते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा ना होता तो सच में उस मासूम बच्ची के दिल में UP पुलिस के प्रति एक नकारात्मक छवि जरूर बन जाती। दोस्तों, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।